नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। अफसोस की बात यह है कि मुल्क के अंदर जो मेन स्ट्रीम में खबरें हैं या जो बयान आते हैं, इससे लगता है कि जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी जबरदस्त जा रही है, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जिस्टेंशियली हम देखें तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला इस वक्त इकॉनमी है। सबसे अलार्मिंग जो सिचुएशन वो ये बताई जा रही है कि स्टेट बैंक के पास जो जरे मुबादला के जखायर हैं, ये भी 5 हफ्तों से ज्यादा के नहीं हैं। तो एक तरफ तो हमारे पास ये सिचुएशन है जो हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। उसका मामला है मईशत का और उसका मामला है ये जो सियासी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये शायद एक मखसूस सी क्लास है, कोई 1100 खानदान है पाकिस्तान। मुबादला के जखायर हैं वो गिरते जा रहे हैं, ठीक है, वो गिरते जा रहे हैं। वो मतलब है कि लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। कई सर अब डिफॉल्ट करने तो नहीं जा रहे, क्योंकि अरब न्यूज की खबर के मुताबिक 79% इस बात के इम्कान है। देखिए मारिया, सलामकुम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान की माशी हालत है वो ग्रेजुअली खराबी की तरफ जा रही है, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। और जो हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया था वो उसके अंदर जो बुनियादी रुकावट जो मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि हमारी टैक्स की कलेक्शन कम हुई है। और टैक्स की कलेक्शन कम हुई है क्योंकि हमारी इम्पोर्ट कम हुई है बिकॉज ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस। जब हमने टैक्स कलेक्शन कम की है तो IMF ये डिमांड कर रहा है कि वो आप 800 बिलियन के डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं जून से पहले पहले, बजट से पहले पहले। मेरा जाती व्यू है कि वो टैक्सेस नहीं लग सकते और नहीं लगाने चाहिए। इस बात के ऊपर IMF की और पाकिस्तान की डेडलॉक होने वाली है, और जब वो डेडलॉक होगी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। ये बात मैं एग्री करता हूं कि हम उस हमारे लिए पाकिस्तानी ये सोचते बगैर कि वो इसहाक डार साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, हमें किसी हाल में डिफॉल्ट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। मगर जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाहर वाले कर रहे हैं, हमने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्ट डिक्रीज की है, ना अपना एनर्जी बिल ठीक किया है, ना अपनी रेवेन्यू कलेक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट की है। तो हम तो एक तमाशाई की तरह बैठे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बाहर वाले हमारा कैसे कैसे मदद करें। सही बात है। हमारी आपको एक और बात बता दूं आज आपके लिए, लोगों के लिए, कि ये जो अगला इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन से पहले पहले मैं इस बात पे तकरीबन कन्विंस्ड हूं कि हमारे जो बुनियादी जो इदारे हैं और जो पाकिस्तान को के एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं आप उसको, और जो अमेरिकन हमारा इन्फ्लुएंस है, वो पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक प्लान लेकर आएगा असेंबली में, और वो प्लान अगले 10-12 साल के लिए आएगा। ये जो कुछ बातें कर रहे हैं ये सारी बातें समझे कि इनको ग्राउंड रिलेटेड का ना अंदाजा है ना ये आगे। सर इसमें साफ साफ खानदान में जो सियासी खानदान जिनको मैं कहता हूँ, बाकी जो 3.5 करोड़ खानदान है पाकिस्तान में बसते, उनका इन तीनों चीजों से कतन कोई ताल्लुक नहीं। अब आप जमीनी हकीकत अगर पे जाते हैं तो आप देखिए कि IMF ने अपना प्रोग्राम जो है उसको डिले कर दिया है, यानी कि जिस प्रोग्राम के ऊपर ये मुल्क डिपेंडेंट है, जहाँ से हमें पैसे मिलने हैं, हमने कर्जे वापस करने हैं, वो डिले करता चला जा रहा है। स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो कोई $8 बिलियन के पड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और $8 बिलियन के कर्जात का, 8 बिलियन के जखायर का मतलब ये है कि 4 हफ्ते या 5 हफ्तों से ज़्यादा के पैसे हमारे पास इस वक्त नहीं है। इम्पोर्ट्स के ऊपर बैन लगा हुआ है, बड़ी इम्पोर्ट्स हम कर नहीं रहे, उसके बावजूद हमारे जो जखायर हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। सारा का सारा फोकस हमारा है तोशाखाना के ऊपर, फोकस है लॉन्ग मार्च के ऊपर, और फोकस है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर। मीडिया भी यहीं पे, मीडिया से भी एक शिकायत कर सकते हैं यहाँ पे कि वो जो लीड करता है, जो वो कॉजेस सामने लेके आता है, जो बयानियां सामने लेके आता है, वो भी सारे के सारे सियासत के इर्द-गिर्द घूमते हैं। जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का असल मसला है उसको डिस्कस बहुत कम किया जाता है। बिल्कुल, इसे डिस्कस भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जारी बात है मईशत के जो हालात हैं वो तो दगरगूं होते जा रहे हैं।
डार साहब की सदरे मुमलिकत से मुलाकात भी हुई है और जाहिर बात है उसमें मईशत पर भी बात हुई होगी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि मुल्क किसी किस्म की इकोनॉमिक एमरजेंसी या मुआशी एमरजेंसी की तरफ जा रहा है या इसकी कोई ज़रूरत है इस वक्त? देखिए उसकी एक कानूनी हैसियत है जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं इमरजेंसी की, इमरजेंसी के हवाले से हमारे यहाँ के तहत पूरा चैप्टर है जिससे मैं तो एटलीस्ट उसके ऊपर एक्सपर्टीज नहीं रखता का क्या होना चाहिए उसको इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कौन सी जो कानूनी वजूहात हैं वो होनी चाहिए वो एग्जिस्ट करती हों तो फिर डिक्लेयर किया जा सकता है। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि पिछले कोई 25-30 सालों से जो हम अपना बजट का खसारा 4-5-6 हज़ार अरब सालाना इकट्ठा कर रहे हैं और तिजारत का खसारा जो पिछले साल आप सोचिए कि 40-45 अरब पे पहुँच गया है, उसके नतीजे में हमारे पास इस वक्त जो 62 हज़ार अरब रुपए का कर्जा है, यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि हर पाकिस्तानी बच्चे बूढ़े मर्द और औरत के ऊपर जो लगभग 3 लाख रुपए का कर्जा है उसकी वापसी कैसे होगी, उसकी वापसी का करंट मईशत जो है उसके अंदर कोई तरीकाकार नज़र नहीं आता। और फिर अगर आप जो कर्जे ले चुके हैं उसको वापस ना कर पाए उसके नतीजे में मुल्कों के साथ क्या होता है, बहुत रिसेंटली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स हमने देखा कि श्रीलंका उस स्टेज पे पहुंचा, वो कर्जे वापस नहीं कर पाया और उसके नतीजे में फिर श्रीलंका में क्या हुआ, यानी कि वहाँ पे आप सोचिए कि खुराक की किल्लत हो गई, अद्वियात की किल्लत हो गई, उनकी करेंसी जो है वो बहुत तेज़ी से गिर गई और फिर उसके बाद जो इकदाम आए फिर जो फौज सड़कों पे आने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये मॉडल जो है ये हमने ज़रूर देखा है और अभी पिछले कुछ महीनों में ही देखा। दिवालिया, ये मुल्क दिवालिया हो रही है, हमने इस मुल्क को दिवालिया से बचा लिया है। मिस्टर इस्माइल का कोई इंटरव्यू आपने बगैर ये स्टेटमेंट के सुना था कभी? हर इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली, ये मुल्क दिवालिया हो रहा था हमने बचा लिया। फिर इसहाक डार साहब ने भी ऐसी बातें की माशाल्लाह के, ठीक है ना। तो आज ये कह रहे हैं कि जो है कुछ लोग सियासत कर रहे हैं इसमें। देखिए कोई आदमी सियासत नहीं कर सकता। अगर मैं आज बोल दूं कि हाँ जी शाजिया जो है दिवालिया होने वाली है, मेरी भी वाइफ का भी नाम शाजिया समझ लेगा, उनको बोल रहा हूँ आपको नहीं बोल रहा, ठीक है ठीक है। तो शायद उसमें लोग बिलीव भी कर लेंगे, यार ये मुजम्मिल बोल रहा है तो शायद क्या पता इनके कोई लेन देन के मामले खराब हुए। लेकिन कोई स्टेट या मुल्क पे अगर ऐसी कोई बात बोल दे तो वो यकीन नहीं होती। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं हर चीज के, ठीक है ना, और वो इंडिकेटर बोलते हैं। वो इंडिकेटर अगर नहीं बोलते तो कोई किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान। जब ये नून की हुकूमत आई तो पहले उसका आउटलुक मंथी कर दिया मुस्बत से उन्होंने, और एक ने नहीं सारी की सारी जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है पाकिस्तान की, फिर उस मुस्बत को मंथी किया और उसके बाद रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया। अब जब रेटिंग डाउनग्रेड कर दी तो उसके बाद जो है ये तमाम तमाशे, रेटिंग डाउनग्रेड क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि इनकी जो कर्ज वापस करने की एबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है और वो जी जी तो वो होती है और वो कोई पाकिस्तानी कोई इदारा नहीं कर रहा, वो आलमी इदारे कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब, तो इसका सबसे बड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट यही होगा कि बाहर से बैंकों से पैसे लाने में हमें जाहिर है बड़ा मसला होगा, नहीं ला सकेंगे। आप मूडीज देख लें, फिच देख लें, सब हमारी क्रेडिट रेटिंग को डाउन कर रहे हैं, तो अब अगली दफा तो पैसे नहीं मिलेंगे फिर पाकिस्तान को। वही अब मैं यही बात पे आ रहा था कि अब आप हमारी बात छोड़ देंगे, चले इनको लगता है हम सियासत करते हैं, हम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये तो बड़े माशाल्लाह जब हमारी हुकूमत थी तो महंगाई मार्च भी ये करते थे, IMF और को कहते थे कि हमने बेच दिया और ये वो, हम तो चले बुरे लोग हैं ना। आज ही अखबार में ट्रिब्यून ने एक स्टोरी लगाई है और ट्रिब्यून ने स्टोरी लगाई है शहबाज राणा ने कि $40 अरब का तखमीना लगाया था इस साल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के लिए IMF के पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान को IMF के पैसे किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रहे क्योंकि पाकिस्तान के लिए IMF लगातार डूमोर कर रहा है। IMF पाकिस्तान को, जब पहले बात चल रही थी कि पाकिस्तान को नवंबर के शुरुआत में ही IMF किस्त दे देगा, लेकिन अब IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए
कोई तारीख नहीं दी गई है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दहशत है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार गिरती चली जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के पास बहुत से बहुत 4 से 6 हफ्ते के फॉरेन रिजर्व सेट्स हैं, जो कि पाकिस्तान को अभी $1.5 अरब दिसंबर में जाकर पे करने हैं, जिससे पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व नीचे गिरते चले जाएंगे और पाकिस्तान हो सकता है श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को किधर से पैसे भी आते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत कोशिश पूरी कर रही है कि किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए और पाकिस्तान को बाहर से पैसे लाए जाएं, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि इमरान खान लगातार सड़कों पर तांडव मचा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।